वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक। आज मैं आपके साथ फराली चिवड़ा जो हम आलू से बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने चार इस तरह से बड़े आलू ले लिए हैं। इस तरह से बड़े ही आलू लेने हैं जिससे इसकी स्लाइस अच्छी निकलेगी। तो इस तरह से मैं पीलर की मदद से इसका छिलका निकाल दूँगी। तो इस तरह से मैं सारे आलू को छील दूँगी और अभी मैं इस तरह से इसे कद्दूकस कर लूँगी। तो इस तरह से बड़ी वाली जो छेनी आती है इस तरह से हमें कद्दूकस करना है और इस तरह से हमें पूरा जो लच्छा पड़े इस तरह से हमें कद्दूकस करना है। तो आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े लच्छे होने चाहिए। तो एक तरफ मैं छीलती जाऊँगी, इस तरह से कद्दूकस करती जाऊँगी और इसको पानी में डाल दूँगी जिससे ये काले ना पड़े। और आप देख सकते हो इस तरह से हमें छीलना है जिससे पूरा आए। तो इस तरह से मैं एक एक करके आलू को छील लूँगी, बड़ी आसानी से ये हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सारे आलू को छील लिए हैं और अभी मैं इसको 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लूँगी जिससे एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। तो ये मैंने 4 बार अच्छे से वॉश कर दिया है और इसे इसके बाद स्ट्रेनर में ले लिया था। तो 15 मिनट मैंने स्ट्रेनर में रखा था जिससे पानी सारा निकल चुका है। तो अभी मैं इस तरह से कॉटन कपड़े में इसे फैला दूंगी, पंखा चालू कर दूंगी। पंखे के नीचे हम 15 से 20 मिनट तक इसे फैला देंगे जिससे पानी सारा सूख जाए और ये बड़ी आसानी से हम तल सके। तो इस तरह से मैंने फैला दिया है। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो ये अच्छे से सूख चुका है। तो हम तल देंगे। तो मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो हम इस तरह से थोड़े थोड़े करके इस तरह से जो मैंने कद्दूकस करके रखे है आलू को इसको डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। और गैस की फ्लेम अभी मैंने फुल रखी है, बाद में मैं मीडियम कर दूंगी क्योंकि हमें इसको एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो जैसे जैसे ये फ्राई हो जाएगा ऊपर का जो बबल है वो कम होते जाएंगे। तो गैस की फ्लेम अभी मैंने मीडियम ही रखी है। इस तरह से हम पलटाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे जैसे फ्राई होता है आप देख सकते हो बबल कम होते जाते हैं। बीच बीच में हम इसे एक इस तरह से हिलाएंगे। ये आलू नमकीन बहुत ही बढ़िया लगता है। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और शेंगदाने भी डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अभी कोरोना की वजह से हम बाहर का कुछ भी नहीं ला सकते तो हम घर पे ही इस तरह से फराली चिवड़ा बना सकते हैं और इसे हम जन्माष्टमी पे, शिवरात्रि पे या कोई भी फास्ट हो तो हम खा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से फ्राई होने लगा है, कलर चेंज हो चुका है। तो हमें थोड़ा सा गोल्डन होने तक इसे फ्राई करना है। जैसे जैसे फ्राई होता जाएगा कलर भी चेंज होता जाएगा। तो अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुका है, आप देख सकते हो कलर चेंज हो चुका है। तो मैं इसे निकाल दूंगी और इसी तरह से हमें बाकी का जो मैंने आलू को कद्दूकस करके रखा है वो भी फ्राई कर देंगे। तो अच्छे से ये फ्राई हो चुका है, कलर देख सकते हो। तो मैं इसे निकाल देती हूँ और बाकी का आलू का लच्छा भी इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। गैस की फ्लेम अभी मैंने फास्ट कर दी है क्योंकि जब हम आलू के लच्छे को तेल में डालें तब गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है, बाद में हमें मीडियम कर देनी है। तो दूसरा स्लॉट भी मैं इसी तरह से फ्राई कर दूंगी। आप देख सकते हो जैसे जैसे फ्राई होता जाता है ऊपर का जो बबल से कम हुए हैं और कलर भी चेंज होने लगता है। इसे हमें थोड़ा गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है तभी ये अच्छे से क्रिस्पी बनेगा, वरना थोड़ी देर के बाद ये सिम जाएगा। तो सारे आलू के लच्छे को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। तो अभी उसी तेल में हम सिंगदाने भी फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने 4 से 5 टेबल स्पून जितने सिंगदाने लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसे भी हमें अच्छे से फ्राई करने हैं क्रिस्पी होने तक। इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा सिंगदाने का, तब तक हमें फ्राई करने हैं।
तो आप देख सकते हो कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। तो ये शेंगदाने भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसे निकाल देती हूँ। थोड़े मैंने काजू के टुकड़े लिए हैं, करीब 2 टेबलस्पून जितने, इसे भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसे भी हमें थोड़े क्रिस्पी होने तक फ्राई करने हैं। तो आप देख सकते हो कलर चेंज हो चुका है, तो मैंने काजू को भी फ्राई कर लिया है। तो अभी हम किशमिश को फ्राई करेंगे। मैंने किशमिश भी ली है, तो ये मैंने 1 टेबलस्पून जितनी किशमिश ली है। इसे भी हमें फूलने तक फ्राई करनी है। तो ये भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आपको काजू और किशमिश ना डालना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने डाला है। अभी थोड़े मीठे नीम के पत्ते लिए हैं, इसको हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो अभी ये सब अच्छे से फ्राई हो चुका है, मैं निकाल देती हूँ और गैस बंद कर लेती हूँ। तो आलू का लच्छा, सिंगदाना, काजू, किशमिश और मीठे नीम के पत्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हो बढ़िया कलर आया है। तो अभी हम मसाले कर देंगे। तो ये मैंने स्वाद अनुसार सेंधा नमक लिया है, क्योंकि हमें फराल में खाना है तो मैंने इसमें सेंधा नमक का यूज़ किया है। लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून जितना। आप अगर लाल मिर्च पाउडर ना खा लो तो खाते हो तो ब्लैक पेपर का पाउडर भी डाल सकते हो। ये मैंने पीसी हुई चीनी ली है 1.5 टेबलस्पून जितनी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे तो सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे। आप देख सकते हो कितना बढ़िया और क्रिस्पी हमारा फराली चिवड़ा बना है, कलर भी कितना बढ़िया आया है। तो ये हमारा फराली चिवड़ा खाने के लिए रेडी है। तो मैं इसे सर्विंग बाउल में ले लेती हूँ और आप इसे एयरटाइट डब्बे में स्टोर कर सकते हो और कभी भी फास्ट में आप खा सकते हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करना भी ना भूले, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है।